मंच पर उपस्थित हमारे सबके नेता सम्मानीय श्रीमान सिंधिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे कैबिनेट मंत्री तोमर साहब, कैबिनेट मंत्री यादव साहब, हमारे यहाँ विधायक सम्मानीय गोयल साहब, पाठक जी विधायक, और यहाँ उपस्थित हमारे कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, और हमारे ग्रामीण और शहर के दोनों जिलाध्यक्ष, और सम्मानी हमारे पूर्व विधायक कुशवाहा जी, रामनंदन सिंह जी, अग्रवाल जी, और यहाँ उपस्थित मंच पे हमारे जो मेला के प्रमुख कमेटी के सभी सदस्य, और हमारे सामने बैठे हमारे सभी बहनें भाई, और सम्मानीय सभी हमारे पत्रकार भाई, और इनका नाम तो लेना पड़ता है क्योंकि कुछ ना कुछ टोल मरोड़ के हमारे बारे में लिख दे। तो सभी यहाँ उपस्थित है, सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमारे जो व्यापार मेला था, आपने देखा था कि 15 साल में इस मेले में जब भी जो आता था, जब कहते थे अब तो मेला में कुछ नहीं बचा है, लेकिन हमारी सरकार बनी, सम्मानीय हमारे महाराजा साहब ज्योतिराव सिंधिया ने सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब से बैठ के कमलनाथ जी से जो भी सलाह मशवरा किया है, और दोबारा हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, जो मेले की हमारे उपस्थिति थी, उसी को आज दोबारा हमारे सम्मानीय श्रीमंत सिंधिया जी ने उसको आपके बीच में लाया है, और आज हमारे ग्रामीण के लोग, शहर के तो सभी यहाँ बैठे हैं, पर बुरो मत मानना, हर रोज आपको तो ग्वालियर में दुकानें हैं, जे खरीदो वो खरीदो, लेकिन ग्रामीण के लोगों को तो कहते हैं डरो, ग्वालियर को मेला लगन दो, जब भी चीज लगे, तो चाहे मोटरसाइकिल हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, पर ग्रामीण के लोग तो इस मेला की भरोसा वासा करते हैं कि कब ग्वालियर को मेला आएगा और कब छूट मिलेगी, कब हम खरीदने जाएंगे। तो महाराजा साहब, हमारा एक निवेदन और आपसे है कि हमारे ग्रामीण के लोग मेला में कम से कम 80% हमारे ग्रामीण के लोग ज्यादा करके मेला में आते हैं, तो कभी कभी दूर से कोई आता है और लेट हो जाता है, तो इनको रुकने की व्यवस्था होना चाहिए, तो ये आपसे मैं निवेदन करती हूँ महाराजा साहब। और महाराज साहब, मैं आपको बताती हूँ कि मैं तो गांव की हूँ, मैंने तो छोटे छोटे मेला देखे हैं, जब मैं मेले में जाती तो खूब अपने माँ बाप से कहती है 2 रुपए तो इधर तो मेला देखने की है। ऐसे ही आज गांव के लोगों की स्थिति है कि वो मेला में आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, परिवार को लेके आते हैं और मेला देखते हैं, लेकिन यही अगर उनको रुकने की व्यवस्था हो जाए तो हमारे ग्रामीण के लोगों को अच्छी सुविधा होगी। तो मैं आपके पूरी कमेटी मेला की सभी कहना चाहती हूँ कि ये जरूर आप ध्यान में रखें कि हमारे लोगों को, ग्रामीण के लोगों को एक सुविधा मिलना चाहिए। और महाराज साहब, हमने भी ये ग्वालियर का मेला देखा था, बड़े महाराज के समय इतना अच्छा मेला चलता था, सबका मन होता था कि मेला देखने जाओ, लेकिन हमसे पूछो तो हम तो 10 साल से मेला में आए नहीं, एक चक्कर लगा तो कुछ नहीं देखता, लौट के चले जाते, लेकिन महाराज साहब आपको बात लग रहा है, इतने यहाँ हमारे सामने लोग बैठे, कभी इतने हमने मेला में लोग नहीं देखे 15 साल में, और मैं चाहती हूँ कि अगली बार तो इतना मेला भरेगा, मुझे इसको इनको देख के लग रहा है कि शायद धक्का इतने खाने पड़े कि मेला की दुकान पे जाओ मुश्किल पड़ रहा है। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि जो महाराज साहब ने आपको फिर 15 साल के बाद सौगात दी है, इसका बड़े आनंद से और बड़े सौभाग्य से इसका आनंद ले, और
खूब अच्छे से मेला में घूमे। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमती मर्मी देवी जी।